चार घंटे का प्रोग्राम था, लोग बोर नहीं हुए, आखिर तक रुके रहे, ये प्रोग्राम की सबसे बड़ी जीत थी। और दूसरी बात, बहरिया ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था, ये बड़ा कमाल है भाई। इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म सुकरात की आवाज है ईसा का लहू, इल्म सजारा हो कहवारा हो अंजाम हो नमू, और इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के अपनी, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बालू, और काबा और कौसैन को यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है, और इल्म तालिब को तलब से ही सिला देता है, और जहल इंसान को बुजहल बना देता है, जहल इंसान को बुजहल बना देता है। Now, I would like to invite the one with the backbone of the event, the one and only Tarak Law, who pulled the beautiful image for you guys. A big, a huge round of applause for the one and only Tarak Law. चलिए बोलते हैं दोबारा आप लोग से जो है वो मुलाकात होगी, और इस बार जो है वो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि तराक लॉज क्या है। आप लोग ने स्टैंडिंग से लेके एडवर्टाइजमेंट से लेके सारे जितने भी पोस्ट थी सब से लेके लिखे हुए तराक लॉज, तराक लॉज इवन जो मेरी टी शर्ट पे भी तराक लॉज लिखा हुआ है, तो परेशान काफ़ी ज़्यादा हो रहे होंगे आप लोग कि ये तराक लॉज है क्या। लेकिन कभी कभी होता है कि जब चीज़ स्प्रेड होती होती है ना, तो क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी, ये मैं देखा है भाई, हम लोग इस चीज़ में कामयाब रहे हैं क्यूरियोसिटी के लिए। सबसे पहले मैं जो थोड़ा सा आपको क्लियर देना चाहता हूँ तराक लॉग कहती क्या है, ये वीडियो प्ले होगी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि तराक लॉग जो है वो हम लोग किस उसमें जो है वो काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग छोटा सा इंट्रो है ताकि प्लीज वॉल्यूम होगा, तराक लॉग जो है वो लाइफ स्टाइल को टारगेट करती है, और हम लोग लाइफ स्टाइल में जो है वो अपने ऑडियंस को ये बताते होते हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से तराश करते हैं। तराशने का मतलब किस चीज़ को बताया तराश आज में बताएं, कैसे आंसर मिलेगा आपको? हाँ आप बताइए, आप जानने वाले लोग एग्जैक्टली पॉइंट इज तराशते को जो है वो टारगेट जो है वो तराशना होगी, क्या आप जानना तराशते हैं कि अपने आप को, और तराशने का जो मतलब है वो इस तरीके से है कि अपनी पर्सनैलिटी को तराशना अपने आप को। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ये तराश हम लोग ने अभी ऑलमोस्ट एक साल हुआ है स्टार्ट किया, एंड आई रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड मनीष भाई, मनी अगर आप आ जाए चाय, मेरे लिए बेसिकली ब्रेकअप के बाद हार है। चाय तो हमें जब रिश्ते वालों को भी नहीं।
चाय पीने के लिए बहाना है, दोस्ती है। क्यों चीनी सेव करें और मेरी तरह आप लोग भी पानी पिए? चाय मेरे लिए बहू भी है और बेटी भी है, चाय तो बहुत अच्छी चीज है। चाय मेरे रोजी रोटी है, पत्ती का पत्ती का खाओ लोग। चाय की कीमत तुम क्या जानो मुक्ता स्माइल। चाय लगे चाय क्या चाय शोर है। चाय मेरे लिए बहुत हमेशा है, चाय हो तो बहुत हो। चाय मेरी कलर है, चाय जिंदगी है और चाय के बगैर तो आई थिंक कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैं चाय नहीं पीता, दूध पीता। चाय नहीं तो क्रांति बने, चाय कभी धोखा नहीं दी। कोई पैरासीटामोल चाय को चैलेंज नहीं कर सकता, चाय बेस्ट। चाय तो गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, हमें चलने के लिए चाय चाहिए। चाय जरूरत है, मैंने कभी टेस्ट भी नहीं की। इसमें चाय नहीं पिया ना, किसी भी तरह किसी बॉडी इंसानी जिस्म के लिए किसी भी तरह फायदेमंद नहीं है। सरंगेटी के दर्दों में आपका इस्तकबाल है। वेरी गुड पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन, मान लिया तो मिले हैं। मैं काम करता हूँ, जो सुन है सब लोग बहुत सुनते हैं। आपका चैनल ये काम लिखा है यहाँ पे मैंने, मेरे घर में ज़्यादा जाता है। आपका चैनल तो फिर बॉम है, अंदर से कुछ ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट है और मज़ा आ रहा है। मिस मदिया क्या स्टूडेंट है, यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? फैशन डिजाइनर। आई डू क्लोथिंग, आई डू ज्वेलरी एंड आई डू कमीशंस आल्सो। वी हैव अ स्कार्फ। ये सारे ब्रांड टॉयज हैं। ब्रेन डेवलपमेंट, ईच टॉय हैज सम पर्पस। हमें हमेशा जाना स्टार्टअप्स को, यंगस्टर्स को जाना वो एनकरेज करना चाहिए। और आप फैशन एक ज्यादा अच्छा लोग एक ऊपर से देता है। आपके पास एक हिडन टैलेंट है जो हमें नहीं पता। वो खातून मिली है, उन्होंने डांस का जिक्र किया होगा आपसे। दोस्तों ये छोटा सा हमारा जो मिल था, पहले थैंक गॉड की बात है, गॉड डार्क है। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो है वो छोटा सा आपको ओवरव्यू मिला है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। हम जो है बेसिकली एक इमर्जिंग टैलेंट जो है ना उसको हम साथ लेकर चलते हैं। हम किसी भी उस शख्स को प्रमोट करते हैं जो कि स्टार्टअप में बिलीव करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तराश लॉ बेसिकली हम लोग जो है ना वो हर उस शख्स को या हर वेंचर को जो है वो टारगेट करते हैं जहाँ पर लोग अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। उनका सबसे पहले हम देखते हैं विजन क्या, मकसद क्या है। इस पर डेफिनेटली देखें अगर आप अपना चैरिटी बिल्कुल हर भी नहीं कर सकते, ठीक है, जो कुछ कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ शख्स जिसका विजन बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है और वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, उसका एम बहुत अच्छा है, हमारे इसके बाद में अली भाई किधर बैठे हैं आप?
और मैंने बहुत कुछ ज़्यादा जायज पहन कर वहाँ पर बैठे और जितने भी लोग तराज लॉ की टी शर्ट पहने गए हैं मेरे जो यहाँ पर पहुंच गए मनाज भाई अहमद भाई और मुबीन बहुत सारे सब और खास तौर पर जितने हमारे गेस्ट आए हैं मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ आप सबका और कि आप लोग आए तो बैठे देखा तो ये तराज लॉ एक मैसेज है कि आपने आपको तराशना है आप दो बार सबसे पहले हमने क्या हमारी नहीं सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है जिसके बारे में आपने इवेंट था ईमान था हमने सबसे पहले अपने ईमान को तराशना होगा उस पर मेहनत फिर ईमान के बाद आपके अंदर हमारे अंदर जो जाहिर जो भी जब इंसान पैदा होता है उनको जाहिर करो उसके बाद इल्म हासिल करके अपनी जाहिरियत को तराशो आफ्टर दैट क्या जो चाहती है हमारे मामला उसके लिए मैं अखलाक रखता हूँ अखलाक के लिए अपने मामला को तराशो ठीक है जी और ये सब जब हो जाता है फिर आ जाते हैं डेफिनेटली थोड़ा सा लाइफ है क्या बच्चे लिखने चाहिए सोने चाहिए अच्छा होना अच्छा पहनना चाहिए तो उसके लिए फिर आप अपने लाइफ स्टाइल को चलाते हैं और हम मैं अपनी इस बात को क्लोजिंग करता हूँ और हम उन लोगों को तलाशते हैं जिन्होंने अपने आप को तराशना चाहा ठीक है जी तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच आपका भाई के जो है वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है अभी हम सेरेमनी शुरू करेंगे हमारे जितने भी गेस्ट हैं उन्होंने जो हम ऑर्डर दिए यहाँ पे उनके लिए उसके बाद फिर विनर अनाउंस होंगे तो आई होप विनर सारे यहाँ पे बैठे हो जिन्होंने मुझे हमारे क्लास ब्लॉक में डीएम किया है इसके लिए जो है वो कोला की तरफ से मोबाइल फोन स्मार्टफोन है रवाब मोहम्मद की तरफ से 15,000 का सेकेंड रनर अप को ग्रिप हैम्पर है थर्ड रनर अप को 10,000 है और इनकी तरफ से ऐसे यहाँ पर कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी शादी होने वाली आकर में अच्छा जी ये असद फिल्म है उनका आप जो है ना जरूर देखेगा ये बहुत स्ट्रॉग भी करते हैं और असद फिल्म का जो है ना उनसे पहुंचे आप हमारे स्टूडियो के एड्रेस में देखेंगे ये एक पैकेज दे रहे हैं उस गाड़ी कपल को फ्री ठीक है जी जो बोर्ड करना होगा सही जी यार तालियां बजा दो भाई वो उम्र में मेरे बराबर ही हमसे 2 साल छोटे बड़े हैं मगर जिस तरह वो काम कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने एक इवेंट के लिए काम किया और जो लोग देख लिए भी उनसे वन में फर्स्ट एडिशन में मौजूद थे उन्होंने भी उनकी मेहनत देखी होगी और आज इस इवेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं जनाब अब्दुल्ला हजरत उनको गुजारिश करने को मुझे इंटरशिप है और आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि खड़े होकर अब्दुल्ला हजरत के साथ में जाए वही है मेरे साथ था सिक्योरिटी चीज़ें तो
बात आती है पासिस के ऊपर, दो लोगों की टीम में थे जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना काम कर दिया इसकी वजह नहीं है। मैं दो लोगों को जरूर मेंशन करूंगा, सबसे पहले क्लैर और उसके बाद पासिस। इन लोगों ने बहुत पासिस भेजे, इनके लिए तालियां हो सकते हैं। अब मैं बेसिकली जितने भी स्पॉन्सर हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अपना अपना माल लगाया, सब कुछ किया। मेरा ऑनरेबल चीफ गेस्ट जो हमारे बुलाने पे आए, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तुला। विद दैट आई विल रिक्वेस्ट चीफ गेस्ट सर कैप्टन मोहम्मद मोटा पाकिस्तान नेवी, प्लीज कम ऑन से एंड हैप्पी बर्थडे। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज राजीव गेस्ट मोहम्मद मोटा। कमोबेश
आज की मॉडर्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड के अंदर इस 1.5 अरब मुस्लिम कम्युनिटी का क्या हिस्सा है? 1%, 2%, नॉट मोर देन दैट, हद करेंगे तो 5% से ज्यादा नहीं है। जिस दिन मेरे मुल्क का बच्चा सोचने लग गया, जिस दिन मेरी कौम का बच्चा सोचने लग गया पॉजिटिव वे में, और उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ खुद बनानी है, उस दिन ये 1.5 अरब मुस्लिम शायद इस दुनिया की हुक्मरानी करने लगते, इसको लीड करने लगते। इस पूरी टॉक में अल्लाह पे तवक्कुल की बात की गई, बिल्कुल ठीक, अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, एक मुस्लिम के ईमान का हिस्सा है। दुआओं की बात की गई, दुआएं मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो कौमें सिर्फ दुआ के सहारे रह जाती हैं, किसी साइड पर नहीं रहती। उसने कहा 25 से 30 लाख मुसलमान हर साल आदमी इसराइल को नाबूद करने की दुआएं मांगते हैं। इतना इसराइल है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में हुक्मरानी कर रहा है। दुआ मांगो, लेकिन दुआ से पहले तैयारी करो। मेरे नबी की जिंदगी का सबसे बड़ा वाकया, बहुत बड़ा वाकया, बहुत सारे वाकयात में जंगे बदर है, 313, दूसरी तरफ कितने हैं, हजारों से ज्यादा, हजार से ज्यादा। नबी ने सारी रात मेहनत की, तरतीब बनाई, हिकमत अमली बनाई, इस जगह पे किसको होना है वो सारी प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद फिर अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, ये 313 है, अगर आज 6 मिल गए तो शायद मेरा नाम लेने वाला कोई ना हो। फिर अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया। मेरा मानना ये है, पहले मेहनत करो फिर अल्लाह से दुआ मांगो, वो सुनता है। लेकिन बगैर कुछ किए दुआ मांगोगे तो शायद नहीं सुनेगा। क्यों? कि वो रब्बुल आलमीन है, सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, उसने पूरी दुनिया की बात सुनी है, सिर्फ मुसलमानों का ठेका नहीं उठाया हुआ। अपने बच्चों को मेहनत करने की आदत डालें, अल्लाह पे तवक्कुल जरूर सिखाएं। हाँ, जब ये देखें कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं इस हद तक आजिज हो गया हूँ कि मेरे पास इस वक्त और कोई आसरा नहीं है, फिर अल्लाह से मांगे। एट दी एंड मैं दोबारा टीम यूनिटी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ख़ास तौर पे जो मेरी न्यू जनरेशन है, मेरी यंग नस्ल है, जिससे मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, मेरी दुआ है कि ये पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। प्रेसिडेंट और फाउंडर ऑफ द राज लॉ के कुमार और आज के मेहमान मुफ्ती को शीट के धन्यवाद। आप सबकी भरपूर तालियों में सर कैप्टन मोहम्मद हुडा पाकिस्तान ने। भाई बाकी में उठो, तुम पढ़ा था हमें मिलना है। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे आज के पहले मेहमान जनाब उस्मान डाडी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना विजन बताएं। आप सबकी भरपूर तालियों में उस्मान डाडी। थोड़ी देर और सब तहमुल का मुजाहरा करें के बाद आप खुश करके भेजेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ अगले मेहमान गुजारिश करूंगा सर जमीर चांडियो से भी स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना विजन बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कि हमारा आरूफ सिर्फ ये है कि हमारा ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, और मैंने माशाल्लाह यहाँ पर अपनी स्पीच सुनी। मेरा नाम जमील चांडियो है और मैं पाकिस्तान के फॉर्मर 6-time चैम्पियन रहा हूँ किक बॉक्सिंग और इसके अलावा फिटनेस ट्रेंड लेने के लिए हम लोग मशहूर हैं। हमारा क्लब कराची में इजरी चलने वाले हैं और मेरे तकरीबन इस वक्त तक अराउंड 5000 स्टूडेंट प्लस इससे मुस्तफ़ी हो चुके हैं, और साथ साथ पाकिस्तान को पिछला तकरीबन आप समझेंगे 30
20 सालों से मैं पद जानते दे रहा हूँ और आज मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है। हालिया आज का जो जिक्र यहाँ पर हुआ है, जो रिसेंटली एक्टिविटी हुई है हमारी, इसमें मेरे नेफ्यू भी हैं और नेशनल चैम्पियन भी हैं, इसमें हार्दिक पांड्या ही इज आल्सो अ वेल नोन फाइटर ऑफ पाकिस्तान। और रिसेंटली अब्दुल्ला ये अभी आए हैं दुबई से, PKK की एक चैम्पियनशिप हुई थी 8 अक्टूबर को, हम सब वहीं थे दुबई में और इन्होंने इंडिया के फाइटर को नाका हो, शायद आपको पता हो कि नहीं हो। अगर अब्दुल्ला की फाइट आप लोग यूट्यूब में और चैनल्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ फुल कॉन्टैक्ट कराटे और किक बॉक्सिंग। सो ये चीज़ जो है अब्दुल्ला पाकिस्तान में हमने गुज़िश्ता 1986 से शुरू की थी और उसकी आज बाजीगश्त आपको ये चैंपियंस की सूरत में नजर आ रही है। तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का और आपका, मैं आप लोगों का वकील हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा मैडम अनम अजद से और अजद अनमर साहब की तस्वीर का बर्तन भी है आप सबकी भरपूर तालियों में अनम अजद एंड अजद अनमर। और फिर मुझे इसके बाद धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने चंदन पाल ये अपने बोल हुआ। जनाब इरफान समाना, I would like to request sir please come on the stage and receive the video. अब एक अनुरोध और अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर गौहर निकर जोधी से कि वो तस्वीर लाएं और अपना समय की तालियां बजा दो मुसलमानों। जो ज्यादा तालियां बजाएगा उसको दो बॉक्स मिलेंगे खाने में। और अपने गुजारिश करूंगा जनाब तनवीर महलूम से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना तनवीर चुके आपकी लाखों तालियों का तनवीर। सबसे पहले तो शुक्रिया करना रहता था मोहम्मद निकी को पूरे कोऑर्डिनेटर से मेरे साथ माइक पे जाने से लेकर खाना खाने तक अच्छा। उसके बाद मेरे पास जो शील्ड है मेरे टीम वालों की, सबसे पहले वो सेलिंग पार्सल है कौन हो सकता है वन एंड ओनली क्लैब है बेस्ट डायरेक्टर मिर्जा अब्दुल्ला बे। उसके बाद मेरे पास है रिजवान कोला हमारे पूरे इवेंट के डिजाइनर थे तो आई कैन फॉरगेट रिजवान भाई प्लीज वेलकम फॉर द शो। उसके बाद आ गए हमारे इवेंट के ओवरऑल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जिनका टिकट नंबर है 552 ये टिकट नंबर 119 की हमारे पास है यहाँ पे और ये इन्होंने जो है वो इस मैसेज को समझा
और जो है वो मुझे डीएम किया माशाल्लाह से गॉट विन अ मोबाइल फोन फ्रॉम ओला सॉफ्टवेयर हाउस। उनकी तरफ से जो है वो सेकंड रनर अप को जो है वो मिलता है गिफ्ट, और इन्होंने जो है वो आई थिंक आ गया, इन्होंने जो है वो डीएम किया तराज ब्लॉग में पूरे रूल्स के साथ। सो प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं तनवीर बैलेम पाकिस्तान के साथ से। और तनवीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इवेंट में आने के लिए, और कैसा रहा इवेंट आपका, कैसा एक्सपीरियंस? एक तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने अच्छे इवेंट में दावत दी। अच्छा देखिए, तराश जो आप लोगों का नाम है ना, जिस तरह के व्लॉग्स हैं उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर तराश रहे थे, जो मोटिवेशनल स्पीकर थे। 4 घंटे का प्रोग्राम था, लोग बोर नहीं हुए, आखिर तक रुके रहे, ये प्रोग्राम की सबसे बड़ी जीत थी। और दूसरी बात, बहरिया ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था, ये बड़ा कमाल है भाई। मतलब कोई ऐसा नहीं था, कोई यहाँ सेलिब्रिटी नहीं थे, जो हम कहें ना कि सेलिब्रिटीज़ आए हुए हों जो एंटरटेनमेंट कर रहे हो, यहाँ मोटिवेशनल बात हो रही थी, मज़हब की बात हो रही थी, अपने आप को रिक्लेम किस तरह से करें, तो ये बातें मैंने बहुत सीखी यहाँ पर, और दीगर लोगों ने बहुत सीखी होंगी। तो इस तरह के इवेंट्स हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे मज़हब से करीब होने के लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर पर इससे तराश आप लोग काम कर रहे हैं, उम्मीद यही है कि इसी तरीके से आप लोग इवेंट भी कवर कराते रहेंगे, व्लॉग्स भी अच्छे बनाएंगे, और जिस तरह मोटिवेशनल स्टोरी से लोगों को आप, जो लोग जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उनको इसी तरीके से आप अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। दूसरा, हम इवेंट ही करवाने जा रहे थे तो हमें बहुत लोगों का सामना हुआ जो कह रहे थे कि हमारे इवेंट में लैक ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, आपके ख्याल में इसमें क्या कहना है? देखिए, असल में हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, उसमें टिकटॉक का ज़माना है, सच्ची बात यही है। वाकई वो अगर वो कह रहे थे तो गलत नहीं था, अगर आप मुझसे भी आकर ये पूछते तो मैं भी कहता कि शायद यार बोर हो जाएंगे लोग। लेकिन जिस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज़ किया, जिस तरीके से आप लोगों ने, कि जो आपके की स्पीकर थे उन्होंने आकर स्पीचेस की, तो वो उन्होंने मोमेंटम बरकरार रखा, कहीं ऐसा नहीं लगा कि ड्रैग हो रही है चीज़ें। तो उसी बात को खासतौर पे आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों को एंटरटेन भी करते रहे, इंटरटेन उसमें कि अच्छी मालूमात फराहम करते रहे, तो एक अच्छे माहौल में, लेटर माहौल में आपने उनको मालूमात भी दी और उनको कुछ सिखाया भी। तो इस तरह के इवेंट देखें, वही बात कि आप लोगों ने करवा दिया है तो अब यकीन आ रहा है, अगर पहले आप मुझसे बोलते तो शायद मैं भी उनकी तरह बात करता। तनवीर भाई आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए, बस एक आपकी तो इतनी रीच है, आप तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बाकी एक सब्सक्राइब करने के लिए हमारे तराश को भाई लाजमी सब्सक्राइब करें, और ख़ासतौर पे जो कंटेंट है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त लाइफ स्टाइल, मतलब मज़ा आया देखकर मुझे, और मैं भी इनको देखकर कुछ कपड़े सिलवाने वाला हूँ। अच्छी बहुत शुक्रिया तनवीर भाई।